हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 10 की कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड बूटस्ट्रैप। तो आज हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे सेंड ईमेल फ्रॉम कॉन्टैक्ट फ्रॉम विदाउट सर्वर। तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम, एक एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है, जो कि HTML से हमने रिएक्ट पे कन्वर्ट की थी। टोटल उसके 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 10 पार्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है। बट इसमें क्या हम बात करेंगे आज, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उससे हमें क्या करना है, कुछ डाटा सेंड करना है अपनी ईमेल आईडी पर। तो विदाउट सर्वर वो हम कैसे कर सकते हैं, आज ही हम जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट डाल रहे हैं, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये सारे पार्ट यहाँ पड़े हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे पार्ट हैं। इनमें डिटेल में मैंने सब बताया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या कन्वर्ट करना है। आपको अगर वीडियो नहीं देखनी तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोजेक्ट में जाएंगे, stillearning.in पे जाएंगे, कंप्लीट प्रोजेक्ट में जाएंगे। यहाँ पर मैंने भी फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने टोटल 9 पार्ट डाल चुका हूँ और 10 पार्ट वीडियो बना रहा हूँ भी, ओके। तो इसमें मैंने सारा बताया हुआ है, पहले पार्ट में मैंने क्या किया है, क्या क्या है, ठीक है, कन्वर्ट किया HTML से रिएक्ट में। और सेकेंड पार्ट में क्या बताया मैंने, हाउ टू यूज़ रिएक्ट राउटर डोम वर्जन 6, ठीक है। जो वर्जन 6 से रिएक्ट राउटर बहुत ईजी है यूज़ करना, उसको आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं दूसरा पार्ट देख के, ओके। और हाउ टू बिल्ड रियूजेबल रिएक्ट कंपोनेंट, रियूजेबल रिएक्ट कंपोनेंट कैसे बनाते हैं वो आप पार्ट नंबर 3 से सीख सकते हैं या 4 से सीख सकते हैं, ओके। फिफ्थ में हमने बात करी एक ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। और सिक्स में मैंने एक सेलेक्टर का इशू आ रहा था उसको फिक्स किया था। और सेवन्थ के अंदर मैंने इनर पेजेस बनाए थे और एट्थ के अंदर भी इनर पेजेस बनाए थे। नाइन के अंदर मैंने क्या किया है, जो साइट है साइट के अंदर डार्क मोड ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है, लाइट मोड एंड डार्क मोड। अभी क्या होता है, जितनी भी साइट आ रही हैं या फिर जितनी भी एप्लीकेशन हैं सब में नाइट लाइट मोड और डार्क मोड होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया था, ओके। तो आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करने की, ठीक है। तो ये देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके अलावा अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो आप जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की सीरीज पड़ी हुई है, 55 क्वेश्चन है ये वाले, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछे गए हैं, उसके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज जाननी है बूटस्ट्रैप की या HTML की CSS की, तो आप ये सीरीज देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स। इसमें हमारी टोटल 5 वीडियो हैं, आप यहाँ पर जाओगे तो कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। होम पेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ये रहा फुल कोर्स, ठीक है। इसमें आप अंदर जाएंगे, इस पर क्लिक करके स्टैक पर जस्ट क्लिक करिएगा, सॉरी यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, इस पर क्लिक होगा, फुल कोर्स पे। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने फुल कोर्स की वीडियो अपलोड है वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, एक एक घंटे की वीडियो है, एक एक डेढ़ घंटे की HTML, CSS, अगर आपको जानना है बेसिक नॉलेज देनी तो आप ये देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट मोस्टली मैंने ट्राई करा है, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर कर दूँ, React.js, ठीक है, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप, 5 चीज़ की मैंने यहाँ पे बना रखा है कंप्लीट वीडियो, ओके। आप बेसिक नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या बात करने वाला हूँ आज बात करूँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म की, ठीक है। ये साइट पूरी रेडी है जो कि रिएक्ट के अंदर बनी हुई है, परफेक्ट चल रही है, एकदम मौसम वेबसाइट बना हुआ है, डिजाइन भी इतना अच्छा बना हुआ है, आप इसको रियूज भी कर सकते हैं, इवन इसको चाहो तो आप इसको रियूज भी कर सकते हो किसी भी पर्पज़ से, ओके। इसका कोड चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है, और मेरे को बता सकते हैं, मैं इसका कोड आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। अब देखिए अभी क्या है प्रॉब्लम, हमें कॉन्टैक्ट पेज में या फिर फॉर्म है, इस फॉर्म से जो भी मैं वैल्यू सबमिट करूँगा वो वैल्यू मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म में आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक थर्ड पार्टी टूल होता है जिसका नाम होता है, क्या होता है, फॉर्म्स प्री आयो, क्या होता है, फॉर्म्स प्री आयो, ठीक है। तो यहां पर आप जाओगे तो आपको क्या करना होता है, क्या करना होता है, सबसे पहले यहां पे आपको रजिस्टर करना होता है। बट ये बताने से पहले मैं आपको एटलीस्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ करेक्शन थी वो मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है, पहले उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम हुआ क्या था, मैंने इसमें डार्क मोड ऐड किया था, बट इस टाइप से किया था, यहाँ पर बटन बहुत ही गंदा लग रहा है, यहाँ पे इस टाइप से ऐड नहीं होता है ना, लाइट मोड डार्क मोड तो हमारा परफेक्ट चल रहा है, सारे पेज पे चल रहा है हमारा, होम पेज पे हो गया, इवन होम पेज पे भी चल रहा है, देखिए आप किसी पेज पे मूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आपने डार्क मोड किया और आप यहाँ से किसी पेज पे मूव कर सकते हो इजीली, ठीक है, और सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, दिक्कत इसमें नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमें ये, यहाँ पर जो स्विच ये लिखा ना, स्विच टू लाइट और स्विच टू डार्क, ये बहुत ही गंदा लग रहा है, यहाँ पर इस टाइप से नहीं रहना, यहाँ पे हमें एक आइकन ऐड करेंगे, तो पहले ही काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्विच टू डार्क मोड लिखा था, ये हमने कहाँ पे किया था ऐड, ये हमने किया था यहाँ पर ऐप के अंदर जाएंगे और ऐप के अंदर हमें क्या लेआउट, लेआउट के अंदर जाएंगे हम, ठीक है, लेआउट में आ गए, इसको करते हैं ऑफ, ठीक है।
लेआउट में आके हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक बटन ऐड किया था, तो उस बटन को हटा के हम क्या करेंगे, एक आइकन ऐड करेंगे जो कि अच्छा लगते हैं, आइकन यहाँ पर ऐड करेंगे इस जगह पे, ठीक है, ईमेल आईडी के राइट साइड में। तो वो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, वो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, फिर उसको वहाँ पर मूव कर देंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ सेक्शन, डिप बनाता हूँ, सॉरी यहाँ पे क्या करता हूँ, डिप बनाता हूँ, ठीक है, और डिप के अंदर क्या करूँगा, ये सेम चीज़ें कॉपी कर लूँगा सारी, मान लो मैंने भी कॉपी कर ली सेम, ठीक है, यहाँ पर, और यही सेम फंक्शन मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, जो भी मैंने फंक्शन यहाँ कॉल कराया वही फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या, मुझे क्या करना है, मुझे स्विच टू हटाना है यहाँ से ना, ये स्विच टू यूज़ नहीं करना है मुझे, सिंपल यूज करना है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट और डार्क मोड नहीं लिखना है मुझे, क्या करना है, आइकन लगाने हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कौन सी वो यूज़ कर रहा हूँ, फोनडोसम, ठीक है, फोनडोसम मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, इंडेक्स में चेक कर लेता हूँ मैं जाके, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, यहाँ पर मैं फोनडोसम कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, फोनडोसम कहाँ गया मेरा, फोनडोसम मेरा है, अच्छा यहाँ पे फाइल ओपन नहीं होगी ये, ठीक है, कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल यू करता हूँ, यहाँ से मेरे को पता चलेगा फोनडोसम कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, फोनडोसम 4.7 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो 4.7 मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा, फोनडोसम आइकन्स, सॉरी फोनडोसम 4.7 काफ़ी पुराना है, बट ये थीम में यही यूज़ था, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, यहाँ लिखा लाइट और डार्क एंड लाइट, ठीक है, डार्क के लिए क्या होता है, ये मून होता है डार्क के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा, यहाँ कॉपी करके यहाँ पर जाकर जो भी यहाँ पे हमारा डार्क लिखा होगा, डार्क के लिए हटा के उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन लगी हुई, हमारी कंडीशन लगी हुई थी इस डार्क मोड, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है डार्क मोड लाइट मोड वाली, तो आप पहले वो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नहीं मिलता तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, आई बटन प्रेस करके, और प्लेलिस्ट के अंदर ये 9 नंबर की वीडियो होगी डार्क मोड वाली, तो सबको जल्दी समझ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आप आइकन ऐड कर दिया, अगर लाइट डार्क मोड है तो लाइट मोड का आइकन आएगा, डार्क मोड नहीं है तो फिर आपका डार्क मोड वाला आइकन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, ये लिखा डार्क मोड, इस पर क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे आएगा ना, प्रेस करते हैं, यहाँ पर आएगा कोने में आइकन, ये आ रहा डार्क मोड का, डार्क मोड का आइकन दिख रहा है आपको, छोटा सा दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में बिल्कुल कॉर्नर में, मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा शायद, ये दिखा आपको लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, उसके अपोजिट दूसरा आइकन होता है वो भी लगा देता हूँ, वो मेरे को याद है, तो मैं एटलीस्ट यहाँ से ये हटा देता हूँ, इसका मुझे अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैंने डार्क मोड का आइकन लगा दिया, और यहाँ पे मैं लाइट मोड का आइकन लगा देता हूँ। लाइट मोड के लिए क्या लिखना है मुझे, जस्ट यहाँ पे जाकर सन लिख देना बस, ठीक है। अब देखिए इस पर क्लिक किया, सन आ गया, इस पर क्लिक किया ये आ गया, कंट्रोल जीरो करता हूँ ताकि वापसी मोड में आ जाए, ठीक है, अभी चल गया सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इन आइकन को उठा के ईमेल के राइट साइड में लिखाना है, और ये बटन जो है इसको बटन को मैं यहाँ से हटा दूंगा, बटन मुझे नीड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बटन मैंने हटा दिया, अभी देखो अच्छा लग रहा है, बस इस आइकन को उठा के मुझे यहाँ पर लेके आना है। अब क्या करूँगा इस आइकन को उठाने के लिए, मैं यहाँ से करूँगा कट इसको, इतने एरिया को यहाँ से करूँगा कट, इतना एरिया, ठीक है। कट करने के बाद क्या करूँगा, मैं ले आऊँगा उसको हेडर के अंदर, कहाँ ले आऊँगा, हेडर के अंदर, और हेडर का आइकन जो आ रहा ना, ये ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी का आ रहा है मेरे यहाँ से एलआई से, तो मैं यहाँ पे जाके एक और एलआई ऐड कर दूँगा इस जगह पे, जो मैंने डिवाइड करी है उसको एलआई बना दूँगा, एलआई यहाँ पे कर दूँगा उसको एलआई, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेरा आइकन आ जाएगा, बट यहाँ पे एरर आ गई, एरर क्या आ गई, थीम मोड इज नॉट डिफाइंड, जो थीम मोड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, ये डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे, तो डिफाइन नहीं किया हमने थीम मोड, तो कैसे आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा आपको प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है, प्रॉप्स आएगा, किससे आएगा, प्रॉप्स आएगा, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी ठीक है, बट थीम मोड इज नॉट डिफाइंड अभी भी लिखा हुआ है, ये कहाँ पे आ रहा है, थीम मोड इज नॉट डिफाइंड, देख लेते हैं इसको हम, यहाँ भी लिखा हुआ थीम मोड, ठीक है, तो यहाँ भी हम डालेंगे थीम मोड स्टेप से, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देंगे, आ गया, परफेक्ट चल गया। अब देखिए ये क्लिक करते नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इस नाम का कोई मेथड ही नहीं मिल रहा है इसको, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, इस मेथड को यहाँ से करते हैं कट, ठीक है, यहाँ से करते हैं कट, और यहाँ पे आकर इसको पेस्ट करते हैं इस जगह पे, इसके अंदर यूज़ करेंगे हम मेथड को हम यहाँ पर, ठीक है। तो थीम मोड हम यहाँ पर डाल लेंगे, ये वाला थीम मोड, ये वाला ऐड करेंगे, इसको हटा देंगे ऐसे प्रॉप्स को, तो थीम मोड हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब इस पर क्लिक करेंगे, नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ है,
अच्छा मैंने यहाँ से कुछ पास ही नहीं किया, देख रहे हो सेट डार्क मोड तो हमने यहाँ से पास ही नहीं किया है, तो इसके अंदर तो सेट हो रहा है वाला, ये चीज़ सेट हो रही है, कहाँ सेट होगी इसको, ठीक है मिलेगी नहीं इसको कभी। यहाँ पे गया मैंने ये किया ठीक है, और यहाँ पे इसको जाकर पास कर दिया, और यहाँ पे जाकर इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कैसे एक्सेप्ट करूँगा, प्रॉप्स के थ्रू, ये मैंने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया ठीक है। अभी देखते हैं चलेगा चलेगा, चलिए परफेक्ट। अब देखिए कितना अच्छा आ रहा है, यहाँ पे आइकन आ रहा है और ये आ रहा है, कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पर ना, अब बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन बन गया हमारा ठीक है। किसी पेज पे जाओगे आप तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है एकदम ठीक है। अब यहाँ से देखो लाइट मोड डार्क मोड, लाइट मोड डार्क मोड, लाइट मोड डार्क मोड। अगर आपको सर्कल ऐड करना है तो आप सर्कल भी ऐड कर सकते हो इसके ऊपर, मैं देखता हूँ ट्राई करता हूँ सर्कल ऐड करने का ताकि थोड़ा बेटर लगे। बॉर्डर रेडियस 50%, विड्थ 30 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल, बैकग्राउंड वाइट देता हूँ मैं या फिर कोई और देता हूँ ठीक है। डिस्प्ले फ्लैश करता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, बट ये थोड़ा ओड लग रहा है, आई थिंक अलाइन आइटम सेंटर भी आ रहा है पर वो तो मंदिर रखा ऑलरेडी, टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं, ये भी नहीं चला। एक काम करता हूँ मैं चेक करता हूँ यहाँ पर कुछ दे रखा हमने, अच्छा मार्जिन राइट 0 दे रखा है ना ठीक है, तो मार्जिन राइट 0 हटाना पड़ेगा मैं ठीक है। एक काम करता हूँ यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर क्या लिखा, डिस्प्ले इनलाइन डाल रखा है यहाँ पर, क्या डाल रखा, डिस्प्ले इनलाइन, तो मैं पर डिस्प्ले फ्लैक्स ऐड नहीं कर सकता, डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स ऐड कर सकता हूँ मैं, ये ऐड करता हूँ। तो अभी देखिए मैं क्या करूँगा, ये सारा स्टाइल कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँगा इस जगह पे एल आई के अंदर, कहाँ बनाऊँगा एल आई के अंदर, कहाँ गए मेरी एल आई, मेरी एल आई ये रही ठीक है, ओन क्लिक वाली एल आई, और यहाँ पे इसका क्या नाम लूँगा, मोड सर्कल ठीक है, मोड सर्कल, और कस्टम डॉट सी एस एस में जाके, सॉरी स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके उसको ऐड कर दूँगा, कहाँ पर कर दूँगा, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके उसको ऐड कर दूँगा, सॉरी ये स्टाइल डॉट सी एस एस कौन सा है, सी एस एस जिसमें मैंने सारी सी एस एस ऐड करी है, ये वाला है ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड किया, और क्या लिखा था मैंने इसका नाम, इसका नाम लिखा मैंने मोड सर्कल, मोड सर्कल, इसका काम यही था बस, इसके बाद मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ अभी फॉर्म वाला काम ठीक है। अभी देखिए मैंने इसे ऐड कर दिया यहाँ पर, इसको सेव कर लेते हैं पहले, सेव करने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं और देखते हैं कैसे आ रहा है ठीक है। अभी देखिए ऐसे आ गए सर्कल बन के, बट ये सेंटर में नहीं आया अभी भी, तो एक काम करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर भी लगा दिया मैंने ठीक है, कोई नहीं इसमें आइकन में, हाँ इसके अंदर जो आइकन है उसमें क्या है मार्जिन दे रखा है राइट से, तो इसके अंदर जो आइकन है उसमें मार्जिन 0 हो जाए, क्या हो जाए मार्जिन 0 हो जाए ठीक है। मैं यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए मार्जिन 0 नहीं हुआ अभी भी, क्यों 0 नहीं हुआ चेक कर लेते हैं, मार्जिन यहाँ पे अभी भी आ रहा है एल आई के अंदर आई ठीक है, मोड सर्कल एल आई के अंदर आई सही तो है, मोड सर्कल दे रखा मैंने ठीक है, आई यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर देते हैं इसको, आ गया ठीक है, देखिए आ गया परफेक्ट, बट यहाँ पे आई थिंक ऊपर से भी मार्जिन दे रखा है, पैडिंग दे रखी कोई ऊपर से, क्योंकि आइकन इसमें ऊपर चिपक के आ रहा है देख रहे हो आप, मोड से पहले रहा और इसका आइकन क्या आ रहा है, चिपक के आ रहा है ऊपर से थोड़ा सा, एक काम करते हैं थोड़ा गैप देते हैं ऊपर से ना तो अच्छा लगेगा, मार्जिन टॉप से 2 पिक्सल इम्पोर्टेंट, दो पिक्सल नहीं करते हैं इसको, 5 पिक्सल कर देते हैं, ये कम करते हैं पैडिंग देते हैं, इससे अच्छा मैं यहाँ पर पैडिंग डाल दूंगा, पैडिंग टॉप से 4 पिक्सल, 4 पिक्सल नहीं 3 पिक्सल करता हूँ उसको मैं, ताकि हमारा अलाइनमेंट ठीक रहे ठीक है। अब देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है, अब एक काम करता हूँ इसको मैं इस कलर में डालता हूँ, इसको डालता हूँ लाइट और डार्क कलर में ठीक है, लाइट और डार्क कलर में,
ताकि हमारा सब सब देखे। अब एक काम करता हूँ, जैसे ये लाइट मोड में होगा, जैसे ये लाइट मोड में होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा मोड सर्कल है वो हमारा क्या होगा, ब्लैक होगा, बैकग्राउंड ब्लैक होगा, ठीक है। लेकिन जब ये डार्क मोड में होगा तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड सर्कल क्या होगा, वाइट होगा, क्या होगा, वाइट होगा। इसको मैं कट करके अभी यही रहने दो, पहले एक बार चेक करता हूँ, चल रहा है, चल रहा सही, ठीक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको प्रेस करके, ठीक है, देखिए परफेक्ट चला है। बट इसके अंदर का आइकन जो है वो नहीं दिख रहा हमें ना, अंदर आइकन नहीं दिख रहा है हमें भी, ठीक है। अंदर आइकन देख लेते हैं, जब ये ब्लैक है यहाँ पर, जब यहाँ पर ब्लैक है तो इसके अंदर का आइकन उस टाइम पे क्या होगा, पहले इसको उठा के ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम ओवर राइटिंग करेंगे ना इसके अंदर, इसलिए मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो इसका कलर आइकन का कलर क्या रहेगा हमारा, वाइट रहेगा, ठीक है। और जो हमारा डार्क मोड का हमारा ये बैकग्राउंड वाइट है तो हमारा जो आइकन का कलर है ब्लैक रहेगा, कलर ब्लैक, ब्लैक मतलब 000, ठीक है। अभी रिफ्रेश करते हैं, चेक कर लेते हैं, नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा आई थिंक, हाँ इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा इसको, वरना ये काम नहीं करेगा। हाँ ये देखिए, देखिए कितना अच्छा आ रहा है, अभी लग रहा परफेक्ट, अभी हमारा डिजाइन परफेक्ट बन चुका है। अभी होम पेज पे जाते हैं, ये हमारा आइकन आ चुका है लाइट मोड डार्क मोड का, कितना अच्छा आ रहा है, लग रहा ना आइकन पर लाइट मोड डार्क मोड का। बट इस पर कर्सर पॉइंटर नहीं हो रहा, तो कर्सर पॉइंटर भी ऐड करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी साइट को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। अब देखना इधर आपका कर्सर पॉइंटर लेते हैं, अच्छा लगा, लगा ना, इस पर क्लिक कर दिया तो आपका डार्क मोड बन के आ गया, अभी परफेक्ट लग रहा है। आप किसी पेज पर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई परफेक्ट हमारा डार्क मोड चल रहा है और आइकन भी ऐड है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये डार्क मोड लाइट मोड आ गया, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अभी हम वो काम करने वाले हैं जिसके लिए हम ये वीडियो पे आए हैं, ओके, ठीक है। तो हम क्या करने वाले थे, ये फॉर्म सबमिट करने वाले थे, कौन सा कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा पेज ओपन करते हैं, कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन करते हैं, लेआउट में जाते हैं, ठीक है। लेआउट के अंदर यहाँ पे हम चलते हैं आउटलेट के अंदर, नहीं सॉरी आउटलेट के अंदर नहीं, हम चलते हैं पहले ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट पेज होगा यहाँ पर, कॉन्टैक्ट पेज ये रहा, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज के अंदर आते हैं हम, इसको करते हैं ऑफ, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज में आ गए, कॉन्टैक्ट पेज में चेक करते हैं हम कौन कौन सी फील्ड है हमारी यहाँ पर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमारा फॉर्म कौन सा है, ये फॉर्म है हमारा, जो ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, ये कौन सा वाला है, यहाँ से स्टार्ट है फॉर्म, फॉर्म का सेक्शन कहाँ गया, ये वाला, यहाँ से स्टार्ट है फॉर्म और यहाँ पर एंड है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले चलते हैं इसको ऑफ करते हैं। मैंने आपको क्या नाम बताया था, फॉर्म्स प्री डॉट आई ओ, ठीक है। ये क्या करता है, द फॉर्म सॉल्यूशन फॉर एनी डेवलपर, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, फिर आपको साइन अप करना है। साइन अप जिस ईमेल आई डी से आप करोगे उसी ईमेल आई डी पे आपकी मेल आएगी जब भी आप यहाँ से कोई फॉर्म फिल करके सेंड करोगे, ओके। तो हम यहाँ पर चलते हैं और मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से मैं एक नया फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, न्यू फॉर्म। फॉर्म का नाम क्या रखना है वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, मैं क्या नाम रख सकता हूँ, ठीक है। अब जो भी मेरी साइट का नाम क्या है, मैडी प्लस करके है और मैं ये रखना चाहता हूँ उसका नाम, ठीक है। तो मैडी प्लस कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, मैडी प्लस कॉन्टैक्ट फॉर्म, नाम आप कुछ भी रख लो अपने अकॉर्डिंग। ये नाम आपको सब्जेक्ट में आएगा ईमेल की, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ईमेल आई डी आएगी, देखिए अभी कोई ईमेल तो नहीं आई यहाँ पर, सुबह 9:23 पर आई थी, अभी कोई ईमेल नहीं आई यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे फॉर्म क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फॉर्म क्रिएट करने के बाद क्या होगा, मेरे को यहाँ पे एक यूआरएल मिलेगा, आपको क्या करना है, जस्ट को कॉपी करना है इस बटन पे क्लिक करके, ठीक है। आपका कॉपी हो गया ये आइकन, ठीक है। आपका ऐसा बता रखा है एचटीएमएल में कैसे यूज़ करोगे, जेएस एजेक्स में कैसे यूज़ करोगे और रिएक्ट में कैसे यूज़ करना है, ठीक है, सब चीज़ें हमें बता रखी है। बट हमें सिंपल कुछ नहीं करना, बस ये जो आइकन है, सॉरी ये जो यूआरएल है, इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना कॉन्टैक्ट फॉर्म में, और कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर आके जहाँ भी आपका फॉर्म टैग लगा हुआ है, फॉर्म टैग के अंदर एक्शन है, एक्शन के अंदर आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बस इतना काम करना है आपको वहाँ से, ठीक है। इसके करने के बाद आपको सारा काम इसके अंदर करना है, मेथड पोस्ट होना चाहिए ताकि यहाँ से आपका डाटा पोस्ट हो सके, ओके। अब यहाँ पे फील्ड कौन कौन सी है हमारे पास, पहली फील्ड है हमारे पास नेम की, तो हम क्या करेंगे, नेम नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे फुल नेम, सॉरी फुल नेम नहीं, फर्स्ट नेम कर देंगे इसको, फर्स्ट
नेम, सॉरी नेम में स्पेस नहीं होता ना यहाँ पर, जो नेम है ना इसके थ्री वैल्यू आएगी एप्क्यूट के, ठीक है, फर्स्ट नेम और सब्जेक्ट को यहाँ से हटा देंगे हम, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देंगे हम फर्स्ट नेम, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ कॉपी, सॉरी मैं काम करता हूँ, पहले इसमें टैग लगाता हूँ रिक्वायर्ड टैग, रिक्वायर्ड टैग लगा दिया मैंने, इससे क्या होगा जब भी हम फॉर्म फिल करेंगे तो हमारा फॉर्म कोई ब्लैंक फिल नहीं होगा, क्या होगा ब्लैंक फिल नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं क्या नाम रखूँगा इसका फील्ड का, लास्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में कुछ भी लिख दूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट यहाँ पर जो ये नेम आ रहा है, नेम एट्रीब्यूट है, ये आपका सही होना चाहिए, इसी के थ्रू आपको वैल्यू मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ गया ईमेल आईडी आ गया, ठीक है, ईमेल लिखा हुआ है, इसके अंदर भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं इसको, मैं ओल्ट जेड दबाता हूँ ताकि मेरा ये ना रैप हो जाए, ठीक है, ये ईमेल आईडी हो गई। फ़ोन नंबर में क्या है, फ़ोन नंबर में फिर मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ठीक है, फ़ोन नंबर में हमारा नेम में फ़ोन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेम में मैसेज आ रहा है, ठीक है, इसको मैं रिक्वायर्ड करता हूँ, और हमारा ये क्या है सेंड का बटन है, और बटन टाइप क्या है, बटन टाइप सबमिट होना चाहिए आपका, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है, बटन टाइप सबमिट होना चाहिए आपका, इस फील्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं, इसको मटाए थे, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेस करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन और मैसेज और सेंड का बटन, ठीक है। सिंपल सेंड पे क्लिक करोगे तो आपकी वैलिडेशन काम करेगी, देखो वैलिडेशन काम कर रही है, पूछ रही है कि आप ये प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ओके। अब दिखना है यहाँ पर मैंने क्या किया, तीन चार चीज़ आप नोटिस कर लेना, पहला मैंने क्या किया फॉर्म्स डॉट आईओ पे गया, ठीक है, यहाँ से मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म क्रिएट करने के बाद मैंने उसको यूआरएल कॉपी किया, यूआरएल कॉपी करने और उसका नाम रख लो फॉर्म का जो आपको बेटर लगे, ठीक है, यूआरएल कॉपी किया, यूआरएल कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया फॉर्म्स में, फॉर्म्स के अंदर मेथड को पोस्ट बनाया और एक्शन के अंदर ये वाले जो यूआरएल बनाया मैंने किट हुआ जो कॉपी किया मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जितनी फील्ड है इसके अंदर उनके नाम में कुछ ना कुछ वैल्यू सेट कर दी, ये जो नाम टैग है नेम ये टैग होना जरूरी है इसके अंदर, इसके बिना आपकी वैल्यू सेंड नहीं होगी, ठीक है। सर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहाँ पे क्या आपका नेम में मैसेज और ये क्या है टेक्स्ट एरिया मतलब मैसेज आपका, ठीक है। तो और आपका बटन जो है बटन टाइप सबमिट होना चाहिए, इतना होना चाहिए आपका काम, ठीक है। अब देखिए वैलिडेशन इसमें कैसे काम कर रही है, ये देख लीजिएगा पहले, अब फॉर्म अभी मेल तो मेरे को आई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं ऑफ करता हूँ पहले फिलहाल, ठीक है। अभी यहाँ चलते हैं, मैंने जैसे सेंड पे क्लिक किया यहाँ आया फर्स्ट नेम, मैंने यहाँ पर डाल दिया रोहित, ठीक है, मैंने सेंड पे क्लिक किया फिर बोल रहा है वर्मा, देखिए इससे मैं क्या करके वैलिडेशन भी चेक कर रहा हूँ साथ में, सेंड किया ये बोल रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मैंने लिखा टेस्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे को प्लीज़ इंक्लूड, देखिए क्या बोला प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये देखिए ईमेल आईडी की वैलिडेशन भी हो रही है यहाँ पर ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर स्ट्रिंग लर्निंग डॉट इन एट द रेट जीमेल डॉट को भी डाल दूंगा, फोन नंबर अभी मैं कुछ भी डाल दूंगा 9876542310, ओके मैंने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। मैसेज में यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ मैं, पे सेंड करूँगा तो यहाँ पे मैसेज को मेरे को दिखाएगा कि भाई मैसेज को फिल करो, देखो प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, मैं क्या करूँगा दिस इज टेस्ट टेस्ट मैसेज, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या फॉर्म में क्या वैल्यू डाली है, फर्स्ट नेम में रोहित, लास्ट नेम में वर्मा, फिर ईमेल आईडी डाली मैंने स्टिल लर्निंग डॉट इन और फ़ोन नंबर डाला 9876543210 और मैंने टेक्स्ट में लिख दिया सिंपल दिस इज टेस्ट मैसेज। अब मैं सेंड करूँगा तो ये फॉर्म सेंड हो जाएगा, ठीक है। सेंड किया, ये देखिए जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया फॉर्म मेरा सेंड हो चुका है और यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे कितना अच्छा बन गया है, थैंक्स द फॉर्म्स वाज सबमिटेड सक्सेसफुली गो बैक, ये सब मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ उसमें क्या किया था सिर्फ यूआरएल कॉपी पेस्ट किया था, उसके बाद सारा काम यहाँ पे फॉर्म स्प्री ने खुद कर दिया यहाँ पे, ये फॉर्म ये पेज बनाना, फिर यहाँ से गो बैक पे क्लिक करूँगा तो गो बैक के क्लिक करने के बाद वापसी उसी पेज पे रिडायरेक्ट होना, ठीक है, सारे काम उसने ऑलरेडी कर रखे हैं। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ मेरे को देखिए तुरंत मिला ही मेरे को, अभी देखो कितने सेकंड पर आई है 3:31 में आई है, अभी क्या टाइम हो रहा है 3:32 हो रहे हैं, अभी एक मिनट पहले आई है 3:31 पे, ठीक है। मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपके नाम क्या डालता है यहाँ पर फॉर्म में, यहाँ पे जो फॉर्म क्रिएट किया था मेडी प्लस कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो मेरे पे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सबमिशन फ्रॉम मेडी प्लस कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम आ गया और यहाँ पे उसकी डिटेल आ गई है, फर्स्ट नेम जो मैंने नाम में लिखा था नेम में लिखा था क्या था रोहित फिल किया था, लास्ट नेम जो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट में लास्ट नेम फिल किया था
यहाँ पर, ठीक है। और इसमें मैंने जो वैल्यू फील की थी लास्ट में क्या की थी, वर्मा फील, अभी देखो वैल्यू है इसमें, ये बल्कि हट्टी चाहिए, अभी हट्टी नहीं है, पता नहीं क्यों, देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो लास्ट में वैल्यू वर्मा है। ईमेल आई डी stlearning.in@gmail.com, ये एक्चुअली ये ईमेल आई डी वो है, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरे को कॉन्टैक्ट करने के लिए आप इस पर कोई, अगर आपको कोई सुझाव है या कुछ भी आपको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी है आपकी तो उसके लिए रिगार्डिंग। ये फ़ोन नंबर मैंने डाला था 987 करके, ठीक है, वो यहाँ पे दिखा दिया है, और टेक्स्ट मैसेज दिखा दिया यहाँ पे, देखिए आपको इजीली सब कुछ बना हुआ आ गया यहाँ पे, बट यहाँ पे इसका नाम आता लिखा हुआ ना कि किसके थ्रू आपको मिला रही है, विदाउट एनी सर्वर, आपने कुछ नहीं किया, लोकल से आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि समवन जस्ट सबमिटेड ए फॉर्म ऑन लोकल होस्ट 5174, ये मैंने लोकल होस्ट चला रखा अपने यहाँ पे 5174, और यहाँ से आपको ये मिल आ रही है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ भी सर्वर का नाम कि सर्वर से आपको मेल आ रही है, ठीक है, लोकल सर्वर है, इजीली आपको मेल आ जाएगी। तो कितना आसान था ये यूज़ करना आपको, ठीक है। अगर आपको कोई हर्डल आता है इसमें तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, स्किप मत करिए वीडियो, वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है, ये काफ़ी आसान है फॉर्म फिल करना, ठीक है। अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ और कमेंट है आपके, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं और मेरी वीडियो को, अगर आपको कुछ समझ आया है, या फिर मान लो आप पहली बार आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।